आज 2 फरवरी और 2 फरवरी से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि फरवरी माह के जो भी प्रशिक्षण हैं वो उनके लिंक जारी कर दिए गए, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें भी जरूर कर लें फरवरी माह में। तो सबसे पहले है, इस सरकारी विभाग में अचानक बदला पदनाम, आधा हो गया मानदेय, प्रयागराज का ये न्यूज़ है। चुनावी माहौल के बीच राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ के कई पदों का नाम बदल दिया गया है, साथ ही उनका मानदेय भी आधा कर दिया गया है। 25 जनवरी को इसका विज्ञापन जारी हुआ तो हड़कंप मच गया। विरोध में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्टाफ ने विकास भवन में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिन पदों पर इस वक्त अधिक मानदेय मिल रहा है उन्हीं पदों का नाम बदलकर मानदेय भी कम किया गया है। इससे उन्हें पदों पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी भी आशंकित हैं कि उनका भी पद कहीं समायोजित कर मानदेय न घटा दिया जाए। वहीं पर राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जनपद और ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों ने सोमवार को विकास भवन में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी सीपुगिरी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद व ब्लॉक स्तरीय स्टाफ को नवंबर 2015 से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त हुई है। जुलाई 2020 से न तो कोई डीए दिया गया है, न ही शिक्षा, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य प्राप्त होने वाले भत्ते दिए जा रहे हैं। जबकि उच्च न्यायालय में मिशन निदेशक ने सभी तरह के भत्ते दिए जाने का हलफनामा दिया है। तो इसमें जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ उसको हम देख लेते हैं। इनका जो प्रबंधक, फंक्शनल प्रबंधक करते हुए मानदेय को 45,000 से 75,000 से घटाकर 30,045 कर दिया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद को समाप्त कर कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कर दिया गया है, जिसे 25,000 से 45,000 जो मानदेय मिल रहा था उसे घटाकर 12,000 से 25,000 तक कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो परेशानी की गई है तो इसके लिए हड़ताल की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर हम बजट से संबंधित देखेंगे, जो कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है संसद में। 2022 का वित्त मंत्री की खास बातचीत में आपने जो भी प्रश्न है, हर प्रश्न का लगभग जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसमें क्या, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के से लेकर बुनियादी ढांचे में डिजिटल स्वरूप को तरजीह दिया गया है। डिजिटल तकनीक की ओर कदम बढ़ाने का संदेश देते हुए वित्त मंत्री ने टैबलेट का पर बजट भाषण पढ़ा। प्रस्तुत है बजट पर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दैनिक जागरण के राजीव कुमार की बातचीत हुई है उसके कुछ अंक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो उनसे पूछा गया, बजट में किसान, MSME, पूंजीगत खर्च के लिए घोषणाएं हुई, मिडिल क्लास के लिए सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई। तो इसका उत्तर है, क्या किसान का परिवार मिडिल क्लास में नहीं आता है? क्या MSME से जुड़ा व्यक्ति मिडिल क्लास में नहीं आता है? स्टार्टअप शुरू करने वाला मिडिल क्लास नहीं है, ये सभी मिडिल क्लास हैं, सभी सेक्टर में मिडिल क्लास हैं। ई पासपोर्ट की सुविधा से क्या मिडिल क्लास को लाभ नहीं होगा? इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया, डिजिटल संपदा या क्रिप्टो करेंसी पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तो क्या क्रिप्टो को वैध मान लिया जाए? क्रिप्टो वैध है या अवैध, इस पर विचार किया जा रहा है और स्टेक होल्डर्स के साथ विचार किया जा रहा है कि सलाह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसकी वैधता पर कुछ स्पष्टीकरण आएगा, लेकिन अभी इस पर टैक्स लगाने का यह मतलब नहीं है कि क्रिप्टो को वैध मान लिया गया है। चूँकि ट्रांजेक्शन हो रहा है इसलिए टैक्स लगाया गया है। टैक्स लगाने से यह नहीं समझना चाहिए कि उसे वैधानिकता मिल गई है। जहां तक करेंसी जारी करने वाले का सवाल है तो करेंसी कोई अथॉरिटी ही जारी कर सकती है, जैसे कि RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा, लेकिन उसके बाहर जो हो रहा है उसके लिए नियामक लगाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी मान लीजिए किसी निवेशक को क्रिप्टो में निवेश के दौरान कोई विवाद होता है तो उसे कोर्ट की शरण में जाना होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि रोजगार को लेकर अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, सभी को अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी मिलती है। क्षमता बढ़ाने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। MSME सेक्टर को मदद की जा रही है। संपर्क वाले क्षेत्र को मदद की घोषणा की गई है। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया लाया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। इन सभी सेक्टर में रोजगार निकलेंगे, सभी रोजगार परक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसे किया गया, बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई, इससे किसानों की आय को दोगुना करने में कितनी मदद मिलेगी? किसानों की आय को, उत्तर इसका है, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पहले की कई घोषणाएं हो चुकी हैं। इसमें MSP में बढ़ोतरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के खाते में पैसे भेजना, यूरिया के दाम को नियंत्रित रखना, मधुपालन के प्रोत्साहन देना, सोलर पंप स्कीम, अन्नदाता सोलर एनर्जी स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण के तहत खाद्य पदार्थों में वैल्यू एडिशन जैसे कई कदम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं। राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इसका क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पीएम्स गतिशील कार्यक्रम के तहत कई ऐसी योजनाओं जैसे कि पूरा करने में इस आवंटन का उपयोग किया जाएगा। मेरा मानना है कि राज्य पूंजीगत खर्च को लेकर काफ़ी सकारात्मक है और मैं समझती हूं कि 1,00,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अच्छे से हो जाएगा। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व के राज्य में रोप वे लाया जाएगा, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्ट लाया जा रहा है, इन सब पर खर्च होंगे।